हाय ब्यूटी, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल शिक्षा माई चैनल शिक्षा सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी साड़ी वो भी ओपन पल्लू में कैसे ड्रिप कर सकते हैं वो सारा ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक आप लोग के सामने, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रहा मेरा लास्ट वाला फैब्रिक जो मैं अपने राइट साइड से टकिंग करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे ही राइट साइड से टकिंग करते हुए एक राउंड कंप्लीट करना है। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद एंड देन क्या करना है कि जो उसका टकिंग का लास्ट ऊपर वाला कॉर्नर होता है उसे आपको इन कर लेना। इन करने के बाद अच्छी तरीके से उसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छे से देनी है। एंड अब आपको क्या करना है कि सारा फैब्रिक आपको राइट साइड रख देना है। जब सारा फैब्रिक आप राइट साइड एक तरफ रख दो तो उसके बाद आपको दोनों कॉर्नर मिलता है जो पल्लू के प्लेट्स में लिया जाता है, तो उसे आपको गेदर कर लेना है। गेदर करने के बाद बैक साइड से घुमाते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे सेट कर लेना है। जब आपका सारा फैब्रिक शोल्डर पे सेट हो जाए उसके बाद बैक साइड से घुमाते हुए ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो जो बॉर्डर है, इसे आपको साइड के शेप के लिए एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। जब अच्छी तरीके से सारा जो साइड का शेप का फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, सो आपको पल्लू का प्लेट्स एक बार साइज कर लेना है कि मेरा पल्लू का प्लेट्स ठीक तो है या फिर कम नहीं है या ज़्यादा नहीं है, इसके हिसाब से आपको सेफ्टी पिन लगाना है। एंड अब आपको क्या करना है कि किस साइड से आप प्लेट्स अरेंज करना हो चाहते हो वो साइड आप चूज़ कर सकते हो। सो मुझे राइट साइड से प्लेट्स अरेंज करना इजी लगता है इसलिए मैं राइट साइड से प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ। वन बाय वन करके सारे फैब्रिक को प्लेट्स में अरेंज करते हुए अच्छे तरीके से सेट करते हुए उसे सारे प्लेट्स में सेट कर लूँगी। जब मेरा सारा फैब्रिक अच्छे तरीके से सेट हो जाए तो क्या करना है आपको झटकते हुए सारे फैब्रिक को वन बाय वन करके अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बेली बटन के सामने आपको टक कर लेना है। जब टक कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे फैब्रिक को जो साइड का फैब्रिक होता है उसे सेट करते हुए आपको अंदर की साइड से सारे फैब्रिक को लेते हुए एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना, जिससे चलने फिरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये रहा मेरा साइड का शेप। अब ऊपर वाला पल्लू का प्लेट्स कैसे आप सेफ्टी पिन लगाते हो, अगर आपका ब्लाउज सिंपल ब्लाउज है तो आप उसके हिसाब से कोई भी सेफ्टी पिन लगा सकते हो। ये मेरा जो ब्लाउज है इसमें बहुत सारे जड़ी वर्क हैं इसलिए हल्का सा ब्लाउज को हाइड करते हुए मैंने एक सेफ्टी पिन से अपना फैब्रिक सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप लोग देख ही रहे हो मेरा जो फाइनल लुक आया है बहुत ही अच्छे से आया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे बॉडी पे, तो बहुत ही अच्छे से सारा फैब्रिक सेट हुआ है। दिस इज़ माय फाइनल लुक, आप लोग के सामने ही है मेरा फाइनल लुक। आप लोग को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ऐसे ही साड़ी अगर आप लोग भी डेप करते हैं तो बिल्कुल ही ऐसे ही आप लोगों के बॉडी पर भी फिट दिखेगा। और आप कहीं भी कोई भी पार्टी ओकेजन, कोई भी शादी का सीजन चल ही रहा है, किसी भी शादी को आप अटेंड कर सकते हो। आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। सो मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो मेरे लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वतंत्र, टेक केयर एंड बाय।